तीन महीने पहले ये बच्चन पूनिया ब्रजभूषण सिंह जैसा कोई है ही नहीं। इसके बयान देखो, उसको फॉलो करो आप ना फेसबुक वगैरह विनेश फोगाट के देखो। इसमें जो है उनका मानसिकता, उनका सोच, नियत उनकी सही नहीं है। तो फौजी चोर है भैया, यदि उसको जांच होगा तो भाई अंदर डालो। ये भी हम भी कह रहे हैं, यदि गलत है अभी तो और भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ अभी शुरुआत हुई है, अभी और देखना है। अभी 2024 में क्यों होते हैं ये इलेक्शन के पहले मोदी जी के लिए, ये कितने भी कर लो, ये मोदी जी आ रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। या तो FIR में धाराएं मत लगाओ, लगाई है तो करो अरेस्ट। मगर वही है ना भाई, ये BJP का आदमी है, चलो जी अभी थोड़ी देर रुक जाओ। 100% राजनीति हो रही है अभी। कल और परसों वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, वहाँ पे देश विरोधी नारे लगे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष का पद चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतना कुछ करने के बाद आप कहते राजनीति ना करें, तो बजरंग पूनिया जी का देश जितना सम्मान करता था आज देश की निगाह से उतना उतर भी गए उतनी जल्दी। बच्चे को नीचे वाला जो तुम्हें गुड़मेल मिला हुआ है, तुमको तुम डायरेक्ट जाना है। तुमको रेलवे का नौकरी मिला अफसर का है। आपको लगता है कि यही लड़ाई है? मेन लड़ाई यही है, क्योंकि इनका प्रोफाइल देखो, जैसे बजरंग पूनिया का प्रोफाइल देखो आप। तीन महीने पहले ये बजरंग पूनिया ब्रजभूषण सिंह जैसा कोई है ही नहीं। हमें मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इसके बयान देखो, इसको फॉलो करो आप ना फेसबुक वगैरह विनेश फोगाट के देखो। तीन चार महीने उनको खुद को पता नहीं है कि कब मेरे साथ घटना हुई। जो उसके खुद की घटना बता रही है ना, उसमें भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। नहीं, मेरे को सही याद नहीं है, वो ऐसे लगा के मतलब बिना मतलब के उल्टे सुलटे आरोप लगा रही है उन पर। ये पूरी तरह से राजनीतिक मैटर बना दिया अरविंद केजरीवाल, और इसमें हर पार्टी के नेताओं को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी को ये लगता नहीं कि अगर 90% अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं, आपको ये लगता नहीं कि 10% भी मतलब है ना आरोप सही हो सकते हैं बुजुर्ग के खिलाफ? अगर 90% खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ मंच में नजर आ जाते 90%। यहाँ मैं 90% की बात कर रहा हूँ। अगर 90% गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मान चलते हैं 10% तो कहीं ना कहीं आरोप होंगे ना उनके ऊपर। जैसे इन खिलाड़ियों का अब ये अंतिम स्टेज पे हैं, नए खिलाड़ियों को मौका देना नहीं चाहते हैं और अपना वर्चस्व इसमें पूरा राजनीतिक वर्चस्व। और जैसे वो ब्रजभूषण सिंह खुद कह रहे हैं ना कि इसमें बड़े उद्योगपति का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको मतलब कि ब्रजभूषण सिंह को घिराना है। और वैसे भी इसका इस्तीफे की जरूरत क्या है? 7 मई को तो इनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 3 टर्म हो गए, वो आगे अध्यक्ष पद बनने वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते। तो अब जैसे ही उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उस बंदे की साख गिराने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र। क्या पॉलिटिक्स हो रही है? क्या पॉलिटिक्स हो रही है इस पूरे मुद्दे पर? पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, वो ब्रजभूषण स्थान लेना चाहता है, ब्रजभूषण का स्थान लेना चाहता है वो। कौन? वही जो पूनिया, वो उसको अध्यक्ष पद चाहिए उसका। वो आपको गुड मेडल भाई, तुम परफॉर्मेंस करोगे नहीं, बच्चे को नीचे वाला जो तुम गुड मेडल मिला हुआ है तुमको, तुम डायरेक्ट जाना है। तुमको रेलवे का नौकरी मिला अफसर का है, बच्चे को खिलने दो। जो कोई रूल होता है उसके लिए ये उठा। आइए, सारे पहलवानों के मुद्दे पर पॉलिटिक्स हो रही है क्या? 100% राजनीति हो रही है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। 100% राजनीति हो रही है अभी। कल और परसों में वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, वहाँ पे देश विरोधी नारे लगे हैं, उनको आज़ादी चाहिए। जब हमको चाहिए आज़ादी, ऐसे नारे लगेंगे तो उसमें क्या हो रहा है? दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष का पद चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे जो देश विरोधी जो इकट्ठे हुए हैं ना मोदी के खिलाफ, वही सारे वहाँ जाके बैठ रहे हैं, उनके वहाँ पर घिसे जा रहे हैं सारे मामले, जूते वूते वही घिस रहे हैं, बाकी और कोई आदमी नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि सिवाय राजनीति के इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा तीसरा कोई मुद्दा है नहीं। जो लड़की वहाँ पे बैठी हैं, ठीक है, वो खुद क्या होता है, वो एक आयोग होता है महिलाओं का, छेड़छाड़ का जो एक आयोग होता है कि छेड़छाड़ एक उनके वो होता है, कमेटी होती है, उस कमेटी की सदस्य है वो। दो लड़कियाँ ऑलरेडी उस कमेटी की सदस्य हैं 2016 से, तो उनको आज 2023 में याद आ रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई थी, जो ऑलरेडी उस कमेटी की सदस्य हैं। छेड़छाड़ अभियान में जो होता है उसकी कमेटी की सदस्य, कमेटी बना रखी है आयोग ने, उसकी ऑलरेडी सदस्य हैं। अब ये बताओ कि सदस्य के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है क्या? अरे हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, वो बोल रहे कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी हिम्मत है ना, उनकी हिम्मत कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इनमें इस सब में उनका क्या फ़ायदा है फिर?
उनको डेट का नहीं पता, ठीक है, किस दिन छेड़छाड़ हुई, उनको सन का नहीं पता, उनको दिन का नहीं पता, उनको टाइम का नहीं पता, उनके पास ऐसी कोई फ़ोन कॉल डिटेल नहीं है कि कब बुलाया, कब छेड़छाड़ हुई, ऐसा कोई भी निश्चित दिन नहीं है, ठीक है। बट इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को, जो हुड्डा का लड़का है दीपेंद्र हुड्डा, उसको राजनीति वहाँ पर उसको अध्यक्ष का पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राजनीति हो रही है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। सर, देश के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कैसे देखते हैं इसमें? क्या देश में जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के ही बच्चे क्यों हैं? यूपी से लड़के नहीं जाते, लड़कियाँ नहीं जाती? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से बच्चे क्यों नहीं आए? क्या वहाँ लड़के ओलंपिक में खेलने नहीं जाते? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? झारखंड में किसकी सरकार है? बंगाल में किसकी सरकार है? इन्हीं की है ना। पंजाब में किसकी सरकार है? वो लोग क्यों नहीं आ रहे इनको समर्थन करने के लिए? सिर्फ हरियाणा के लोग हैं उसमें, ऐसा क्यों हुआ? एक प्रांत से क्यों है? एक प्रांत के लोग क्यों है? आखिर पूरे देश में बच्चे हैं, पूरे देश में जो खिलाड़ी हैं, पूरे देश कितने ही आए, सिर्फ हरियाणा के ही आए? इसमें जो है उनका मानसिकता, उनका सोच, नियत उनकी सही नहीं है। वो तो क्या नाम है, झूठ बोल रही है क्या? नहीं, झूठ झूठ बोली रही, जब उसका सबूत ही नहीं है तो झूठ नहीं तो क्या है? उसको झूठ क्या सच है, वो तो पुलिस तय करेगी ना, न्याय कोर्ट तय करेगा। हाँ, तो कोर्ट में जाए, एफआईआर होगी ना, कोर्ट में जाए, लेकिन उसके पास सबूत ही नहीं तो कोर्ट में जाएंगे कैसे? बगैर प्रूफ का जो है एफआईआर, सर एफआईआर की बात कर लेते हैं, पॉक्सो एक्ट की बात कर लेते हैं, उसके ऊपर गिरफ्तारी होती है तुरंत, गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस का मिसयूज किया जा रहा है। ऐसा है, वो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, अच्छा, प्लस 5 या 6 बार या 4 बार से अगला सांसद है, ठीक है। अच्छा, हम अगले को डिफेंड नहीं कर रहे, अगर आपके ऊपर कोई क्राइम हुआ है ना मित्र, तो आपको डेट, टाइम, सन सब कुछ एक्यूरेट पता होगा। जब आप यही सवाल पुलिस के सवालों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? ये सारी बहुत सारी बातें हैं ना। पर सवाल ये उठता है ना कि हमारे देश में पहले और भी सांसदों को सजा हुई है, राहुल गांधी को हाल फिलहाल में हुई है, सिसोदिया साहब अंदर हैं, जैन साहब भी अंदर हैं, कितने और भी तमाम हैं, प्रूफ साथ हुआ है ना, पर इनके ऊपर आरोप लगे हैं, पर कोर्ट तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा। ऐसे ही जाके किसी, मैंने आपका नाम लिया तो आपको अरेस्ट कर लेंगे? पॉक्सो एक्ट लगा है, उसके आधार पर अरेस्ट किया जाए तो गिरफ्तारी होती है, आपको मालूम है? नहीं, वो होती है, पर ऐसी किसी को भी उठा के बंद कर देंगे? वो मैंने बोल दिया, बस हो गया, ऐसे नहीं, वो उसमें 6 बार संसद रहा हुआ, खराब। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बाहर रहेंगे तो कहीं ना कहीं तहकीकात से ना छेड़छाड़ करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, ये आरोप लगा रहे हैं? भैया 5 साल गुजार दिए इस चक्कर में उन्होंने, तब तक वो डरी रही हैं, आज नहीं डर रही हैं, क्यों, आज कहाँ से पावर आ गई? लगता है झूठ है सब कुछ। हम झूठ नहीं मान रहे, पर सत्य होना चाहिए ना सब में, मतलब ये झूठ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं उनके खिलाफ है, हम सच्चाई सामने आनी चाहिए, कोई बात नहीं, देखो आम आदमी थोड़ी जो एकदम गिरफ्तार कर लोगे उसे। पॉलिटिक्स हो रही है क्या? कुछ पॉलिटिक्स पूरी हो रही है, जो 2024 है, 2024 आ रही है भाई साहब, अभी तो नए नए और तरीके आएंगे देखना, अभी 2000 और खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे? खिलाड़ी तो और भी हमारे यहाँ, ये हरियाणा ही रह गया बस। खिलाड़ी अपनी दाव साख पर लगाकर, उनका कैरियर अपना साख पर लगाकर ये अगर कर रहे हैं आप, नहीं ये बताओ ना भाई साहब, ये 2024 के आसपास ही क्यों होता सब कुछ? अभी तो और भी आएंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी शुरुआत हुई है, अभी और देखना है, अभी 2024 में क्यों होते हैं ये इलेक्शन के पहले, मोदी जी के ये कितने भी कर लो, ये मोदी जी आ रहे हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता भैया, काम देखता है पब्लिक, काम देखती है, एक जगह हो जाए, समझे, सारे विपक्ष एक हो जाए, कुछ नहीं होगा मोदी जी को, 24 में 429 के बाद इसको अलग बात है, मैं इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है आपको, सही है गलत है, या पॉलिटिक्स हो रही है इस पर? इस पर पॉलिटिक्स हो रहा है भैया, यदि उसको जाँच हो, जाँच होगा तो भाई अब अरेस्ट करके अंदर डालो, ये भी हम भी कह रहे हैं, यदि गलत है तो अंदर डालो, ये गलत होंगे, गलत, हाँ ये तो कह रहे हैं कि मतलब गिरफ्तारी नहीं हो रही, यही तो अरब लगा रहे हैं, बोलो भैया गिरफ्तारी किस बेस पे होगी? कोई तुम्हारे पास सबूत, कोई प्रूफ, कोई कुछ होगा? मेरे घर से जो है नंदनी नगर जो है 65 किलोमीटर है, उसका कॉलेज स्पोर्ट कॉलेज जो है मेरे घर से 65 किलो, लेकिन वहाँ हमारे गांव से, हमारे घर से, हमारे एक चाचे का लड़का जो है वहाँ जाके जो है मतलब अपनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसने तो नहीं कहा कि वो जो है क्या नाम गुंडा है, बदमाश है, या वहाँ कोई गुंडे इस कॉलेज के अंदर, कोई गुंडे हर कॉलेज के अंदर जो है गुंडे ही बदमाशी होती भी है। सब तमाम चीज़ों में खिलाड़ियों का फ़ायदा भी होगा या नुकसान ही है? फिर
नुकसान ही होगा भाई साहब, अगर अगर गलत सही होंगे तो फायदा होगा, गलत होंगे तो नुकसान होगा। वो तो हाँ सबका, जो जो नुकसान के लिए बैठे हैं उनका होगा, जो नहीं बैठा है उसका। आखिर ये सही होते तो और इनके सपोर्ट में आते नहीं लोग? खिलाड़ी तो सारे हैं, सारे खिलाड़ी इनके सपोर्ट में तो आते। खाली एक स्टेट के, खाली हरियाणा स्टेट के खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है? पूरे देश में और किसी के खिलाफ अन्याय नहीं हो रहा? हरियाणा ही एक राज्य है। सपोर्ट तो यूपी वाले भी कर रहे हैं, अब आ रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ से पहुँच रहे हैं जंतर मंतर पर अभी लोग। हाँ विपक्ष वाले तो आ रहे हैं, और कौन आ रहा है? कौन आ रहा? राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि डटे रहेंगे। टिकैत साहब की बात अलग है, उनके उनकी बात अलग है। चलो छोड़ो उनकी बात, हम लोग बात कर रहे थे पहलवानों के ऊपर, क्या पॉलिटिक्स हो रही है इस पर पूरे मुद्दे को लेकर? भाई जी क्या बताएं, है बाहर से क्या लग रहा है आपको? है तो देखो ये गलत चीज, जिस जैसी FIR लिखी गई है ना, उस FIR बेस पे तो इसे अरेस्ट होना चाहिए, या तो ऐसी FIR ही मत लिखो, उसके हिसाब से तो देखो होना चाहिए। अब एक बार आम आदमी को तो उठा के अंदर कर देते हो, इंक्वायरी बाद में होती है, ये कोई लाड साहब थोड़ी है। MP बन गया तो MP कोई लाड साहब हो गया? किसी के साथ कुछ भी करता फिरेगा? असूल से अरेस्ट होना चाहिए, कोर्ट में अपनी सफाई दे दे। जब कोर्ट में कोई सबूत नहीं मिलेगा, कोर्ट अपने आप छोड़ देगी, ये तो सिंपल सी बात है। निर्दोष हूँ मैं तो, मैं तो ना तो सारे चोर यही कहते हैं मैं निर्दोष हूँ। वो कह रहे हैं वालों ने बताओ, एक उन्होंने 2 करोड़ रुपया लगा दिया रिपेयर पे, वो तो यही कहता है ना, मैंने एक पैसे की हेराफेरी नहीं करी। तो कोई मानता यार? कोई भी नहीं मानता। तो सारी होनी चाहिए थी हमारे हिसाब से। देखो जी, जो FIR लिखी गई है FIR बेस पे होनी चाहिए, या तो FIR में धाराएं मत लगाओ, लगाई है तो करो अरेस्ट। मगर वही है ना भाई, ये BJP का आदमी है, चलो जी अभी थोड़े दिन रुक जाओ। बाबा जी क्या लगता है पहलवानों के मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, या क्या हो रहा है कुछ वहाँ पर? ये तो मोदी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मोदी जैसे PM नहीं मिलेगा। मोदी धरना लगा हुआ खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर, वो तो अलग बात है। हाँ। उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो सही है गलत है, आपको बाहर से कैसा लगता है? आपको गलत है जंतर मंतर में धरना देना? हाँ क्यों गलत है ये, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं, जानकारी नहीं। क्या लगता है भाई साहब आपको? हाँ। आपको देखो जो वहाँ पे धरना हो रहा है पहलवानों का, पहले वो आए थे अकेले आए थे, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। बजरंग पूनिया जी आते हैं कहते हैं जी सारी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित करते हैं, उसके बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ें शुरू होती है ध्यान से सुनना। नरेंद्र मोदी जी के बारे में, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, ऐसे भाषण नारे होते हैं। योगी जी की मिमिक्री करता है, मजाक उड़ाता है, वो खिलाड़ी साथ में बैठे होते हैं। उसके बाद अभी ब्राह्मणों से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर आज़ादी किन से आतंकवादी जो संगठन हैं उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं, उसके बाद सभी आ जाते हैं। फिर बजरंग पूनिया जी कहते हैं कि आप राजनीति ना करें, इतना कुछ करने के बाद आप कहते राजनीति ना करें। तो बजरंग पूनिया जी का देश जितना सम्मान करता था, आज देश की निगाह से उतना उतर भी गए उतनी जल्दी। वो धमकी दे रहे कि मैं अवार्ड वापसी करूँगा, आप अवार्ड वापसी करो, साथ में आपकी नौकरी, साथ में आपको मिला हुआ पद, आपने एड से पैसे कमाए, वो सब वापसी करो, तब मानेंगे कि आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हो। तो कहते हैं मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, एक व्यक्ति से है, तो इतने राजनीतिक पार्टी को इकट्ठा क्यों करा? इसकी मंशा आपको दिख गई कि जहाँ पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं वो बजरंग पूनिया देशभक्त एक समय में होगा, लेकिन आज वो एक राजनीतिक। आप लोग आम इंसान हैं ठीक है ना, आपको बाहर से इस केस में क्या लगता है, क्या आरोप लग रहे हैं उसमें दम है कुछ? देखिए वो कहते हैं कि जी पहले 100 लड़कियाँ थी और अब जो है उसके बाद 1000 लड़कियाँ हैं, लेकिन अगर हम 1000 में से अगर 1% भी देखें तो 1% भी लड़कियां साथ में नहीं आई हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे मान लें? कल को कोई कह दे कि जी उस बंदे ने ये करा है, तो किसी के कहने से नहीं होता ना, वो आरोप साबित भी तो हों, और जब साबित ही नहीं हो रहे, जब कोई सामने नहीं आ रहा, तो वो आरोप कैसा? वो कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा, बाहर कैसे आएंगे? वो बाहुबली हैं, कहीं ना कहीं वो मरवा भी सकते हैं, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं ना वो नरोत ठाकुर जी से मिले थे और उन्होंने उसके बाद उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हुई है, FIR भी हुई है, वो चीज़ उनको नहीं दिख रही। मैं सारी बातें अगर उनकी 1% मान लूँ, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को बुलाना, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, वहाँ आतिशी भी आ रही हैं, वहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं और देश के विरोध नारे लग रहे हैं, तो ये कैसा प्रोटेस्ट है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट बजरंग पूनिया जी अगर मेरा ये बात सुन रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट कैसा है कि देश ने आपका बड़ा सम्मान करा, आज वहाँ पे आज वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ वहाँ पे नारे लग रहे हैं। आज इनसे कांग्रेस के समय में देखो कि इनकी क्या स्थिति थी, खिलाड़ियों को जूते तक नहीं मिलते थे। आज नरेंद्र मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, अगर वो जीत के आते हैं एयरपोर्ट लेने जाते हैं वहाँ पे लोगों से, आज इतना सम्मान उनको मिल रहा है, कांग्रेस का आदमी मिला था?
और आज वो अपने हरियाणा के राजनीति चक्कर के अंदर देश का अपमान कर रहे हैं। आज मैं एक बार के लिए बजरंग पूनिया जी का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, लेकिन आज के समय में मैं नहीं हूँ और मैं चाहूँगा कि पूरे देश को भी मेरी बात सुननी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे प्रोटेस्ट करने वालों को वहाँ से हटाना चाहिए।